सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम वीडियो कि आज हम लोग एक बार फिर पर से करने जा रहे हैं हमारी क्लास ट्वेल्थ की फिजिकल एजुकेशन से नंबर वन को जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स तो एक बार मैं आपको रीकैप दे दूं कि मैं पार्ट वन में क्या क्या करवा चुका तो देखिए मेरी यूनिट वन यहाँ से स्टार्ट होती है लास्ट वीडियो पर ही कैप देने वाला हूँ लास्ट वीडियो में मैंने आपको की पॉइंट बताया था कि वन पॉइंट वन में हमें फंक्शंस ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स मैनेजमेंट समझने हैं और यही पोर्शन मैंने अपने पार्ट वन में पूरा का पूरा कवर करा था तो मैंने प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग को डिटेल में समझाया था एंड मैंने उसके एमसीक्यू uh, क्वेश्चन पूरी बोर्ड की तैयारी करवा दी थी आपको जिस वजह से आप इस वन पॉइंट वन को अच्छे से आई थिंक समझ गए होंगे एक और बात बता दो मैंने स्टॉप्टर की एनसीआर रीडिंग भी सीरीज बनाई हुई है आप देखना चाहते हो तो वोटो तो देख सकते हैं उसमें मैंने हर एक एनसीआर लाइन को पढ़ा है और उसको रिकॉर्ड करके आपको वहां पे ही साथ, -साथ समझाया है सो यू कैन सी दैट आज मैं पार्ट नंबर लेके आया हूँ पार्ट वो में वन पॉइंट टू लेने जा रहा हूँ जिसमें कि हम लोग समझेंगे वेरियस कमेटीज को और उनकी को तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं इसमें बस एक ही पार्ट और आएगा जिसमें हम वन पॉइंट थ्री को भी खत्म करके इस चार्टर को पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे लॉन्ग विद ऑल द द्वेश्चन

जैसे कि एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कौन कौन सकती है एक हो सकती है पब्लिक कमेटी जो कि पब्लिक को एनालाइज करेगी उनके सारे वेलफेयर के बारे में देखेगी एक होगी रिसेप्शन कमेटी जो सारे के सारे जो इवेंट है उसके बारे में देखेगी एक कमेटी ऐसी होगी जो ग्राउंड और इक्विपमेंट के बारे में देखेगी कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी पूरे हमारा जो टूर्नामेंट होगा उसमें और कौन सा ग्राउंड सुटेबल तो होगा कौन सा स्टेडियम करना चाहिए सेरेमनी और उसकी डेकोरेशन की कमेटी अलग होगी एथिक्स की कमेटी अलग होगी ट्रांसपोर्टेशन की अलग होगी कैसे लोग आएंगे वहाँ तक मेडिकल की कमेटी अलग होगी किसी को चोट लग जाए टूर्नामेंट के दौरान फाइनेंस की आ, कमेटी अलग होगी जो फाइनेंस देगी बाकी कमेटी को कि आप इतना इतना पैसा यहाँ पे खर्च करिए अनाउंसमेंट की कमेटी अलग होगी जो अनाउंसमेंट के लिए बैठे रहते हैं मान लीजिए कोई हो जाता है अगर मैं इन जनरल बात करूँ मॉल्स या फेयर्स में तो हम देखते हैं अनाउंसमेंट की कमेटी होती है जो माइक पे सारी चीजें बोलते रहते हैं एक ऑफिशियल कमेटी होगी जो कि सारे ऑफिशियल वर्क्स को देखेगी पेपर वर्क एनऑल को एक एंटरटेनमेंट कमेटी होगी जो बीच बीच में टूर्नामेंट्स में प्रोग्राम्स होते हैं जैसे गणेश वंदना हो गई बीच में या कोई शो हो गया बीच में वो सब ऑन बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी जो लॉजिंग के सारे लोड लॉजिंग uh, के सारे सामान को देखेगी और बोर्डिंग वाला सारा प्रोसीजर uh, वो देखेगा अब हम देखते हैं क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कमेटीज की तो जैसे कि मैंने आपको बताया था एडमिनिस्ट्रेटिव जो डायरेक्टर है वो बनाएगा एग्जीक्यूटिव कमेटी को और एग्जीक्यूटिव कमेटी भी हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर ली वो कमेटीज जिनका काम होगा टूर्नामेंट से पहले का पे टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी वो इनको टूर्नामेंट से पहले ही खत्म करनी होगी कुछ ऐसी कमेटीज होंगी जिनका काम होगा टूर्नामेंट के दौरान मतलब उन्हें तब काम करना पड़ेगा जब टूर्नामेंट चल रहा होगा सो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अनेक होगी हमारी पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वह काम होगा टूर्नामेंट खत्म होने के बाद अब देखिए टी टूर्नामेंट में कौन सी होगी सबसे पहला जो टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करेगी कमेटी वो वाली पब्लिसिटी कमेटी जो कि पब्लिसिटी करेगी प्रचार करेगी कि हाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है तभी तो लोग देखने आएंगे वरना क्यों आएंगे मार्केटिंग कमेटी फाइनेंस कमेटी ट्रांसपोर्ट कमेटी फूड एंड अकोमोडेशन खाना भी तो दो, दो कैंटीन वैटी जो होती है जब लोग आएंगे तो कमेटी फॉर ऑफिशियस ऑफिशियल लोगों के लिए ऑफिशियल कामों के लिए ग्राउंड और इक्विपमेंट की कमेटी पहले ही लाने पड़ेंगे फर्स्ट एड की कमेटी पहले बनाई जाएगी फर्स्ट एड कमेटी यहाँ भी लिखा गया है यहां भी लिखा गया है यहाँ भी लिखा गया है मतलब ऐसी कमेटी है जो हमें टूर्नामेंट से पहले भी चाहिए तब भी छोड़ा क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन हो रहा होगा बड़ी बड़ी चीजें होती है तो जो लोग काम कर रहे होंगे उन्हें भी चोट लग सकती है इस वजह से फर्स्ट एड कमेटी हमें सब ही चाहिए होगी देन ड्यूरिंग uh, टूर्नामेंट भी हमें पब्लिसिटी कमेटी चाहिए होगी जब वो प्रचार कर, uh, कर रही हो लाइव कवरेज कर रही हो टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मार्केटिंग कमेटी ट्रांसपोर्ट कमेटी जब लोग वहां से आ जा रहे हो फूड एंड अकोमोडेशन कमेटी ग्रांड एंड इक्विपमेंट कमेटी प्रोग्रामी फर्स्ट एड कमेटी एंड डेकोरेशन कमेटी मतलब इन सारी चीजों की जरूरत हमें तब होगी जब टूर्नामेंट चल रहा होगा एंड पोस्ट टूर्नामेंट टौन्न, मतलब टूर्नामेंट के बाद पब्लिसिटी कमेटी अगेन की टूर्नामेंट का विजेता ये रहा मार्केटिंग कमेटी मार्केटिंग करेंगे हम उसकी फाइनेंस लेंगे हम लोगों से उसके अंदर आने का ट्रांसपोर्टेशन की कमेटी टूर्नामेंट के बाद अब देखिए इतना ज्यादा तब समझ में आएगा जब अभी हम इसकी क्वेश्चन करेंगे ना तब आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे कमेटी फॉर ग्राउंड इक्विपमेंट कमेटी प्रोग्राम कमेटी फर्स्ट एड कमेटी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी अंड ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आई होप समझ में आया होगा इतना नहीं आया होगा लेकिन थोड़ा तो समझ में आया ही अब देखिए इसका जब आप ये सॉल्व करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन तब हमें समझ में आएगा इसलिए ही क्वेश्चन लिए गए हैं इसमें थोड़ी से ज्यादा हम क्वेश्चन से समझ पाएंगे सो

शुरु होते हैं इन्फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्पिटिशन प्रोवाइड करती है एडवांस में ही प्लेयर्स कोचेस को और टीम्स को कि वो इसके लिए तैयार हो जाए कमेटी यूज डिफरेंट मीडियम का ये सहारा लेगी मतलब इनको प्लेयर्स चाहिए तो लोगों को बताएंगे तो सही क्या हमारे टूर्नामेंट में भाग लीजिए सही डिफरेंट मीडियम का यूज करेंगे मास मीडिया जैसे टीवी का यूज करेंगे रेडियो का यूज न्यूज पेपर का यूज करेंगे इंटरनेट का यूज करेंगे एडवर्टाइजमेंट करेंगे अपने गेम्स की कमेटी मेक एंड हाई स्पेक्टेटर कीटरशिप को प्रोसेस करेगी उसके पास ज्यादा से ज्यादा देखने वाले और पार्टिसिपेट करने वाले लोग जुड़ पाए द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट कमेटी जैसे कि ऊपर बताया गया था शिफ्ट करना लोगों को सुपरवाइज द ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ये आराम से लोग आ जा पा रहे हैं कि नहीं टू द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द प्लेयर्स एंड ऑफिशियल्स जो प्लेयर्स आ रहे हैं जो ऑफिशियल्स आ, आ रहे हैं वो लोग वेन्यू तक आराम से पहुंच पाए क्योंकि आम लोग भी आ रहे हैं वही पर ही अब अगर वो लोग बहुत अच्छे खासे से क्रिकेट प्लेयर्स को अगर वो लोग देखेंगे तो लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे तब आराम से और ऑफिशल जो लोग चीफ वीफ आ रहे हो वहाँ पे गेस्ट आ रहे हैं चीफ गेस्ट गेस, वो सब आराम से पहुंच पाए वेन्यू तक उनका एकोमोडेशन वेन्यू आराम से हो सके अब हमें ऐसी कमेटीज़ का रोल बताना है जो कि पोस्ट टूर्नामेंट के टाइम पे होता है यही क्वेश्चन हमारे आएंगे देखिए नंबर के साथ लिखे गए हैं क्वेश्चन तीन नंबर का है मतलब हमें तीन ही पॉइंट देने इनमें से नौ बहुत सारे दे दिए हैं इनमें से आप कोई भी तीन लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे पब्लिसिटी कमेटी ये रिपोर्ट देती है मीडिया टू मीडिया प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्सपेंडिचर टू द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ये बताती है कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ है टू दर्ज ऑर्गेनाइजेशन वालों को परफॉर्मेंस देती है प्लेयर्स की कि हमने इसको इतने पैसे दिए और क्या इसने अच्छा खासा परफॉर्म करा भी है कि नहीं कराई इसने ऐसे करा है रिकॉर्ड बताएगी लोगों को और अदर इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगी फाइनेंस कमेटी पे आ जाए तो इसका क्या काम होता है इसका काम होता है मेंटेन मेंटेन द टोटल एक्सपेंडिचर टोटल मतलब हर चीज का मिला के कितना एक्सपेंडिचर uh, हुआ है कितना बजट में हुआ है टूर्नामेंट का पूरा ट्रांसपोर्टेशन कमेटी प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट रिगार्डिंग द जस्ट अ प्रोवाइड रिगार्डिंग द प्रॉपर यूज ऑफ व्हीकल्स व्हीकल्स आराम से आ जा पा रही है कि नहीं आ पा रही है जब टूर्नामेंट खत्म होता है तो एकदम से इतनी भीड़ भाड़ निकलती है तो क्या वो आराम से जा पा रहे हैं कि नहीं इसका इंतजाम होता है फूड एंड अकोमोडेशन में क्या होता है हमारा खाने पीने का देखा जाता है और कोई डैमेज होता है अगर अकोमोडेशन साइड पे तो उसको रिपेयर करवाया जाता है फॉर्मेशन या रिपोर्ट प्रोवाइड की जाती है प्लेयर और रिगार्ड द लॉजिंग एंड रोडिंग एक्सटेंडेशन ऑफ देशन कमेटी देखिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है हम लोग डिलेट भी इसे कर पा रहे हैं जब हम लोग अपने स्कूल में या फिर कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट देखते हैं तब तो और भी यहाँ पे दिए गए हैं मैंने आपको तीन चार समझा दिए आई थिंक और इतने में से ही हमारा आंसर बन जाएगा अब बाकी भी पैसा था आपकी स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहे होंगे वीडियो को पॉज करके एक बार पर जरूर लीजिएगा अब हम ऐसे कमेटीज का रोल देख रहे हैं जिनका रोल है बिफोर द टूर्नामेंट मतलब प्री टूर्नामेंट उनका क्या क्या रोल है द रोल बिफोर द टूर्नामेंट ऑफ इज कमेटीबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्मोथ रनिंग ऑफ द टूर्नामेंट की टूर्नामेंट आराम से हो जाए इस वजह से उसको पहले ही हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे इंस्ट्रक्ट करेंगे हम बाकी कमेटीज को वन मंथ प्रायर टू द टूर्नामेंट बाकी सारी कमेटीज को हमें ही बताना पड़ेगा कि आप इस तरीके से टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करिए और उनको हम सारे टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन भी कर देंगे देन स्पेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेयर्स टीम्स इवेंट एट द टूर्नामेंट बाई रेडियो न्यूज पेपर पोस्टर एक ये काम है पब्लिसिटी कमेटी का पहले ही ताकि जो लोग हैं वो इन्फॉर्म हो सके मार्केटिंग कमेटी का काम है सारे इक्विपमेंट्स खरीदना और बाकी आइटम्स खरीदना जो कि रिक्वायर्ड होंगे टूर्नामेंट के दौरान प्लेयर्स को और ये भी इंशा करना कि वो अच्छी क्वालिटी में हो और उनकी क्वान्टिटी भी ज़्यादा हो होती मान लीजिए अगर मैं से आप नहीं कोई हो और एक चीज़ में टूट जाए तो हम दूसरी चीज़ से काम आराम से चला सकें फाइनेंस कमेटी को देखें तो उसका काम होता है बजट का तैयार करना और एस्टिमेट करना कि कितना एक्सपेंडिचर आके पूरे के पूरे टूर्नामेंट में लगने वाला है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी आराम से ट्रांसपोर्टेशन हो पाए सारी फैसिलिटीज का और कंसर्न पर्सन जो की पार्टिसिपेट कर रहे हैं इवेंट में वो आराम से आ पाए और भी यहाँ पे दो और दिए गए हैं उनको आप लोग तो रीड कर लीजिएगा और भी नीचे दिए गए हैं हमें लेकिन जितने नंबर का क्वेश्चन हो उतने ही हमें पॉइंट्स लिखने हैं हमें फालतू पॉइंट्स नहीं लिखने हैं उससे टाइम वेस्ट ही बस कोटा है मैं आपको सारे लेकिन दिखा रहा ताकि आप कुछ भी ना छोड़े हाँ देखिए ड्यूरिंग अ टूर्नामेंट से क्वेश्चन आएंगे हाथ से बताइए प्री इवेंट प्री टूर्नामेंट पोस्ट टूर्नामेंट अभी हमारा थर्ड टाइप चल रहा है ड्यूरिंग अ टूर्नामेंट सबसे पहले हमने करा था ड्यूरिंग द टूर्नामेंट का काम होता है सो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का काम होता है सारी कमिटीज को मैनेज करना उनका अच्छे से सुपरविजन करना उस टाइम अगेन सारे इक्विपमेंट्स को प्रॉपर सुपरविजन करती है खरीदती नहीं है लिखा है प्रॉपर uh, प्रोविजन पर भी है उनका कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी ड्यूरिंग द टूर्नामेंट खरीदने वाली अलग हो कमेटी देन ट्रांसपोर्ट कमेटी जो की है वो अगेन ट्रांसपोर्टेशन इंश्योर करेगी एथलीट्स का बिटवीन द साइट्स मान लीजिए टूर्नामेंट उस जगह पे हो रहा है फिर अगला टूर्नामेंट थोड़ी सी दूर जाके हो रहा है और आराम से वहां तक चले जाए या फिर वो जहां पे रुके हुए हैं होटल्स में वहां से वो आराम से टूर्नामेंट की साइड तक पहुंच पाए ट्रेनिंग सेंटर्स एंड एक्सेट्रा देन फूड एंड कमेटी का काम क्या होता है सबको सारे ऑफिशियल्स को अच्छे से खाना प्रोवाइड करना अब यहाँ पे कैंटीन वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे सारी चीजें हम लोग ऑफिशियल के लिए लेकर आए कैंटीन वाला जो मैंने आपको बोला था वो एक एक्जाम्प था कि जब नॉर्मली होता है तो कैंटीन जैसे प्रोवाइड कर जाती है ऐसे ही जो वहाँ पे लेकर हम सारी बातें कॉमन पीपल के लिए करते हैं हाँ सारी बातें ऑफिशियल्स और एथलीट्स के रिकॉर्डिंग में हो रही है की ऑफिशियल एथलीट्स को अच्छे से खाना मिल सके वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सके ये सारी चीजें हमें देख ली है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट एज द डिमांड ऑफ वर्क मैनेजिंग द प्रॉपर वर्कनेकोमोडेशन साइड अब देखिए यहाँ पे हर पॉइंट हर कमेटी वैसे जनरली कॉमन है बस इसका थोड़ा थोड़ा हमें लाइन बदल बदल के लिखनी है हर एक चीज

वन पॉइंट वन एंड वन में जो टॉपिक्स थे वो आपको अच्छे से क्लियर हो है, चुके हैं अब हम मिलेंगे 1.3 की वीडियो में तब तक के लिए वेट करिएगा वेल मीटर मैं नेक्स्ट वीडियो गुड बाय